बैक टू माय चैनल, नया वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो ये हमारे टेक न्यूज़ का वक्त, इस सप्ताह का यह पहला टेक न्यूज़। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक प्लीज आप देखिएगा। तो हमारा जो पहला टेक न्यूज़ जो निकल गया था वो इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स की तरफ से जो कि इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज का स्मार्टफोन आपको आगे देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको इन बुक X1 जो कि एक लैपटॉप होने वाली है इन्फिनिक्स की तरफ से, फोन के साथ ही साथ आपको इन बुक X1 एक लैपटॉप भी देखने को मिलने वाली है। तो ये जो फोन है आपको अभी नहीं देखने को मिलने वाली, ये कन्फर्म हो गया है कि लॉन्च डेट दिसंबर के महीने में रख दिया जाएगा। तो दिसंबर के महीने में आपको ये फोन देखने को मिलने वाली है, इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज का स्मार्टफोन और इन बुक X1 जो कि उनके लैपटॉप होने वाली है। तो देखते हैं ये दिसंबर महीने में देखने को मिल जाएगा और क्या फीचर्स के साथ और क्या प्राइस के साथ देखने को मिलने वाली है। फीचर्स वगैरह अभी तक नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत अपडेट आया है कि आगे आपको देखने को मिलने वाले। तो देखते हैं और क्या फीचर्स वगैरह और प्राइस के साथ, किस प्राइस के साथ इंडिया में वो आते हैं। तो देखते हैं दूसरा जो न्यूज निकल गया था वो आईको की तरफ से, आईको 8 लेजेंड जो है। आईको के बारे में तो आपको पता है वो काफी हाई में आते हैं, तो उनका प्राइस भी वगैरह काफी हाई लेवल में होते हैं। उनका तो प्राइस मिनिमम 20 से लेकर 25,000 से आगे देखने को मिल जाती है। तो छोड़ते हैं, आईको 8 लेजेंड ये भी आपको इंडिया में देखने को मिलने वाली है। ये शायद दोनों वेरिएंट टाइप में शायद देखने को मिलने वाले हो सकते हैं, तो देखते हैं। तो ये क्या है कि लिस्टिंग हुआ है IMEA डेटाबेस पर, वो लिस्टिंग हुआ है, ऑनलाइन सर्टिफाई हुआ है। तो देखते हैं इंडिया के लिए कब आते हैं, मतलब इंडिया में कब लॉन्च हो जाएंगे और क्या फीचर्स वगैरह और किस प्राइस में वो आते हैं, तो देखते हैं। तो तीसरा जो न्यूज है वो नोकिया की तरफ से, नोकिया T20 टैबलेट। नोकिया T20 टैबलेट ऑलरेडी ग्लोबली ऑलरेडी वो लॉन्च हो चुकी है। तो इसमें क्या उनके 2K डिस्प्ले के साथ AMD के ग्लोबल को है, तो ग्लोबल से लॉन्च हो चुकी है। टू के डिस्प्ले के साथ आपको मिल जाएंगे 8200 mAh बैटरी के साथ देखने को मिल जाएंगे। स्टेरियो स्पीकर्स ऑलवेज होते रहते हैं आप में, मतलब इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइस में ये सर दोनों वेरिएंट टाइप में देखने को मिल जाएंगे, दोनों वेरिएंट के टाइप के हिसाब से आपको प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। ये फ्लिपकार्ट में सेल हो जाएंगे और आपको मिनिमम 16,000 से 18,000 इस तरह कुछ प्राइस में रख दिया जाएंगे नोकिया T20 टैबलेट। हमारा जो फोर्थ नंबर पे जो न्यूज है वो ओप्पो की तरफ से, ओप्पो A95 उसके ऑनलाइन आप देख सकते हो, फोटो वगैरह आ गए हैं। फोटो ये हो सकता है नवंबर के शायद आपको लॉन्च हो जाएंगे, नवंबर लास्ट में या फिर मिड में शायद लॉन्च हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो उसका मॉडल नंबर वगैरह भी आ गए हैं। ये साउथ एशिया में शायद लॉन्च हो जाएंगे और CPH2365 शायद इसका मॉडल नंबर है, इस तरह आया है। तो देख सकते हो, फोटो भी आप देख सकते हो। हमारा जो लास्ट न्यूज है वो है Xiaomi की तरफ से, उनका क्या है कि फर्स्ट LCD मॉनिटर लॉन्च हुआ है। LCD मॉनिटर वगैरह आप देख सकते हो, फोटो में देख सकते हो कितना शानदार मॉनिटर लॉन्च हुआ है। तो ये 24.5 inches में आपको इसका जो मॉनिटर स्क्रीन साइज है देखने को मिल जाएगी, 140 रिफ्रेश रेट में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको तो पता है जो उनका जो मॉडल नंबर है अपडेट वर्जन है XMM NT24HF के साथ, उनका जो मॉडल नंबर उनका जो अपडेट वर्जन है XMM HT249HF2 उनका जो अपडेट वर्जन है, साथ में अपडेट वर्जन के साथ वो लॉन्च हो गए हैं। ये काफी शानदार मॉनिटर होने वाली है, तो आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हैं इस तरह वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पड़ोस में कुछ पूजा वगैरह चल रही है तो आपको साउंड थोड़ा बहुत आ रहा है, तो छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ बात करने वाले हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।